তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে দিল্লির সীমান্ত গাজীপুর সিংঘু এবং টিকরি সীমান্তে বসে আছেন কৃষকরা। তাদের ঠেকাতে রাস্তায় গজাল দিয়ে, রাস্তায় পেরেক পুঁতে এবং কাটা তার দিয়ে আটকে রেখেছে প্রশাসন। দিল্লির এই রাজপথ থেকে যেদিন তারা এসেছিলেন, তারা বলেছেন তারা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে চান এবং এই যে তিন কালো আইন মান্ডি তুলে দেওয়া, কৃষিকে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া, তার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করছেন। এখানে প্রতিদিন তারা এখানে রয়েছেন, ঘর বাড়ি ছেড়ে এখানে গণ রান্নাঘর করা হয়েছে, রীতিমতো শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সরকার জল এবং বিদ্যুৎ কেটে দিল, বিকল্প পথে তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা শুনব এই গাজীপুর সীমান্তের যারা কৃষক, যারা কিষাণ মজদুর ঐক্য জিন্দাবাদ বলেছেন, যারা ভারত মাতা কি জয় বললো, যারা একটা কথা পরিষ্কার বলেছেন যে এই মাটির কৃষক যারা ফসল ফলান সেই অন্নদাতারা, তাদের স্বার্থে চলা উচিত সরকারকে, এবং সরকারকে তারা বাধ্য করবেন এই আইনকে পরিবর্তন করবার জন্য। আপ লোক তো ইতনে দিন সে ইয়া হ্যায়, আপ লোক কা মাং ক্যা হ্যায়, ও সরকার বল রহে কি আপ দুসরে কোই উমিদ হ্যায় আপ লোক কা, ইসলিয়ে আপ ইয়া বৈঠে হুয়ে। हमारी मांग सरकार से तीनों कानूनों को वापिस लेने की है, वो वापिस नहीं ले रहे हैं। जब हम किसान को वो कानून चाहिए ही नहीं जो उन्होंने लगाए हैं, तो वो जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं हम पे? किसान कोई नहीं चाह रहा है उन कानूनों के लिए। सरकार बता रही है कि ये जो तीनों कानून है, तीनों कानून किसान के हित पे है। ये हित में नहीं है, जो हित में होते तो किसान ले लेते, जब ये हित में नहीं है तो वे जबरदस्ती किसानों को क्यों दे रहे हैं? हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। मोदी जी आज, मैं अभी देख रहा था रेडियो पर, मन की बात कर रहे हैं। अरे मन की बात इन किसानों से पूछो ना डायरेक्ट में, जो मन की बात कर रहे हैं, वे रोजगार की बात क्यों नहीं करते? रोजगार की बात करें, जब उन्हें पता चलेगा मनों का, पब्लिक का, जनता का क्या मन है, मन की बात कर रहे हैं। अरे इन किसानों से पूछो जो इतने दिन से पड़े हैं, क्यों दे रहे हैं किसान को जबरदस्ती, क्यों दे रहे हैं? जो बिल नहीं चाह रहे वो क्यों दे रहे हैं? उन्हें खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान जब तक नहीं उठेगा, जब तक वो बिल वापस नहीं होंगे। आप क्या किसान है? जिला बागपत तहसील बड़ोत, गाँव झुंडपुर मिलाना, चौगामा क्षेत्र। मारे गांव में कल बामडोली पंचायत हुई, चौधरी जी सिंह गए, यही संदेश गा के इतने काले कानून वापस नहीं होंगे, इतना आने की कोई जरूरत नहीं। तो ये तो बोल रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो प्राइस आपको मिल नहीं रहा था, तो आप डायरेक्ट माल जो खरीदना चाहते हैं उसको ज्यादा दाम पर बिक सकते। ये किसानों को, भाई साहब किसानों को बैठन लग रहे, हमें मान ले जा कोई चीज बाप बैठ दे रहे और हमें भी बैठा नहीं लग रही, तो ना वापस ले लेना, हमें जरूरत तो नहीं उनकी। मैंने कहीं उड़ा लगा लो, अपने घर में लगा लो ना, हमें तो जरूरत नहीं है उसकी। अरे हमें तो खेती करनी है अपनी, अनुगाना अरे कुत करके वो करे भी, हमें लूट कर उसमें धर ले कुछ, हम तो भात बाड़ा के भूखे मरेंगे, फिर हम कहाँ तक ले आवेंगे, फिर क्या करेंगे हम? हम तो उनको कहना वापस कर लो, हम अपने घरों अपने घरों पर राज्य रहो। माल को अपने गोदाम में रखना चाह रहे हैं, गोदाम में रखे हैं, फिर अपने तरीके से वो देंगे किसानों का, जो है किसानों को नहीं, इसमें मजदूरों को भी, सबको है जी, और उनका एक ही सिर्फ नारा है। हम यही चाह रहे हैं कि जी अगर हम अपना अनाज उगा कर उनकी फैक्ट्री में जाके डाल दे, अपना गन्ना फैक्ट्री में बोल रहे हो, ये अंबानी अंडानी जो इन्होंने अपने मील लगा ले बड़े बड़े, और हम अनाज उगा रहे खेतों में, अनाज उगा के और उनके पास भर दे बस, हमारा 1500 रुपए क्विंटल, उनका 2500 रुपए क्विंटल, ऐसे बिकेगा जी? अब पता हम किसान है कहाँ जाएंगे? तो इतने दिन ये लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का सरकार था, इतने दिन तक था, फिर भी किसान का हाल कोई अच्छा नहीं हुआ, तो ये लोग अच्छा करना चाह रहे हैं। किसान का हाल अच्छा था जी, उस पे तो कांग्रेस की जब सरकार थी किसान खुशहाल थे, सब कुछ खुशहाल थे, जब से मोदी सरकार सब दुखी है, लाइन में लगे हुए, बताओ कौन बंदा लाइन में लगे हुआ नहीं है? अब बताओ, अभी मैं जा रहा था ऑटो में मोहनगर से आते, पुलिस वाला बोला भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैं गाजीपुर बॉर्डर जा रहा हूँ। कहला वहाँ क्या करेगा जाके? अरे अपने किसान भाइयों में जा रहा हूँ, 30,000 रुपये की नौकरी की एप्लीकेशन देके मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, 4 दिन से यहाँ हूँ। अब बताओ किसानों में तो सरकार रही है, काला कानून वापस, जब तक आदमी बहुत खुशहाल रहा है, खुशहाल है, और अब देख लो क्या किसानों की दुर्गति हो रही है, और हर आदमी की दुर्गति हो रही है। कांग्रेस के राज में जो भी हुआ, पर ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा, जो अब हो रहा ना, आम जनता के भी रास्ते सारे बंद कर देते हैं सरकार ने, जाके देखो किसानों के तो करने ही करने हैं, आम जनता के भी कर रखे हैं। ये सरकार एकदम नकम्मी सरकार है,
इसको जितना हो सके जल्दी हटाने का कोशिश करी जाए, नहीं तो ये बिल्कुल देश को एकदम खड्डे में घेर देगी। वो घेर ही देता है, थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी खत्म करके जाएगा। किसी दिन ये बंदा तौलिया कंधे पे रख के उड़ जाएगा आसमान पे, तुझे देखना इसका मौका आएगा किसी ने उड़ जाएगा। ये लोग अभी अभी दो तीन महीना में 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, दक्षिण तमिलनाडु में है, असम में है, सबसे बड़ा वेस्ट बंगाल में है। ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग सत्ते पे फिर आएगा, ये पांचों राज्य ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। और कांग्रेस को नन्हे हजारी ने एक बिल के ऊपर बिल को जड़ से खेल के रख देता, और ये बंदा लाखों आदमियों की भी बात मानने को तैयार नहीं है। लाखों आदमी खड़े हैं, तीनों बार्डरों पे गिनती कर लो, लाखों के हिसाब से गिनती मिलेगी, पर ये बंदा मानने को तैयार नहीं है। वो एक बिल्कुल घटिया इंसान है, एक रेलवे मंत्री है जैसे गाड़ी तो चलती नहीं है, और वो कानून के बारे में जानता, खेती के बारे में जानता हो, क्या जाने खेती के बारे में बताइए। ट्रेन का किराया बढ़ा दे इन्होंने, जो ये कांग्रेस की बात करते हैं 70 साल में, 70 साल की बात करते हैं, 70 साल में क्या चीज नहीं दिया कांग्रेस ने, और जो ये अब उसे बेचने के उसमें लग रहे हैं, 6 साल में देख लो कभी रेलवे बेच रहे हैं, LIC बेच दी, सब चीज बेचने का कांग्रेस ने। ये क्या, ये कौन सा किसानों का कर्जा माफ किया, जो उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, ये कौन सा कर रहे हैं? आप क्या किसान है? जी मैं किसान हूँ। कहाँ से हैं आप? जिला संभल से आया हूँ। संभल जिला संभल। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ ये काले कानून वापस लें, हम अपने घर जाएं। सरकार तो बोल रहे हैं कि आप ही के लिए बनाया है कानून। हमारे लिए क्यों बनाया? हमने मांग रहा है ये कानून, हमने मांगा कानून, ये क्यों बनाया सरकार ने हमारे लिए? हमने मांगा सरकार पे ये कानून, बगैर मांगे सरकार क्यों दे रही है? कि जैसे तैसे खुश थे आप, कौन दिख रहा है खुश? सर एक आप एक बात हो सर, जैसे इन्होंने कहा कि हम कानून बना रहे हैं, ये हमसे पूछा इन्होंने कानून बनाने के लिए, ये किसान के बेटे से पूछा? ये बताओ, जरूरी नहीं है कि सरकार कानून से पूछे, फिर भी है कि सरकार को बोल रहा है कि हम लोग को इतने सारे 300 से ऊपर सीट दे के भेजा, तो कानून तो हम ही बनाएंगे। ये तो तानाशाही होगी, तो फिर तो जी अब सुनो मेरे भाई, ये तानाशाही होगी ना, किसान से नहीं पूछेंगे, मजदूर से नहीं पूछेंगे, किसी से भी नहीं पूछेंगे, तानाशाही हुए, काले कानून बना के तैयार कर दिए, और किसान रोजगार बनाई, सरकार किसने बनाई? सरकार किसने बनाई? जनता ने, जनता से पूछने का कोई हक नहीं बनता उसका, फिर जनता का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, जनता तो बेकार है, फिर वो तो मतलब उसका तानाशाही हो गया सारा कुछ। जनता ने वोट किस लिए दी? इसलिए तो दी कि सरकार जो हमारी जनता खुश रहे, ये इसलिए दी, जनता को घसीट लो, इन्हें मिट्टी में डाल दो। आप लोग का मांग है कि जब तक ये लोग नहीं मान लेते आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काला कानून हम नहीं चलाएंगे, এটাই সব মজদুরদের দাবি। তারা বলছেন যে যে সরকার তারা নির্বাচিত করেছিলেন সেই সরকারকে তাদের কথা শুনেই তাদের মত মতেই আইন তৈরি করতে হবে, নইলে এই সরকারকে তারা ফেলে দেবেন, এবং যে কোনো মুহূর্তে এই 3 কানুন এই কালা কানুন না বাতিল হয় তারা এই রাস্তায় রাজপথে এইভাবে বসে প্রতিবাদ জানাবে। ক্যামেরায় দীনেশের সাথে দীপঙ্কর নাগ।